बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदोस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 जुलाई 2024, तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। अगर आप भी बिहार न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को एक मिनट से भी कम समय में देख सकते हैं। आपके समय की इससे बचत होगी। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की किसी भी खबर को एक मिनट से भी कम समय में देख सकते हैं। साथ ही साथ खुद से भी खबर को पोस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऑप्शन दी गई है, ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश को लेकर के उपजे विवाद की गूंज अब बिहार में भी होने लगी है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता अब यूपी की तरह ही बिहार में भी इस तरीके का फैसला लागू करने की मांग करने लगे हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचोल ने कहा कि नाम लिखा होने पर यात्री अपनी इच्छा अनुसार दुकान पर जाएंगे, इससे झगड़ा खत्म हो जाएगा। मधुबनी जिले के बिस्फी से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचोल बीजेपी के कट्टर हिंदूवादी नेता माने जाते हैं। वे अक्सर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। कांवड़ यात्रा पर नाम लिखने को लेकर के हो रहे विवाद पर भी उन्होंने बयान देकर के बिहार की राजनीति को गर्मा दिया है। शनिवार को मीडिया से बातचीत में हरिभूषण ठाकुर बचोल ने कहा कि चाहे यूपी हो या फिर बिहार, कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों पर मालिकों के नाम लिखा जाना चाहिए, इससे बाद में जो विवाद होते हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा। दुकान पर नाम लिखा होने से कांवड़ यात्रियों को पता चल जाएगा कि इसका मालिक कौन है, इससे कोई झंझट नहीं होगी। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कल प्रतिरोध मार्च निकाला। जय इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता पटना सहित पूरे बिहार में आक्रोश मार्च निकाला। जय इस प्रदर्शन में राजद, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। जब पटना की सड़कों पर कार्यकर्ता जमकर के बवाल किया, वहीं पर पुलिस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार प्रशासन ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाया गया था, जिसे तोड़ करके कार्यकर्ता आगे बढ़ते चले गए। महागठबंधन के कार्यकर्ता डाक बंगला चौराहे की तरफ आगे बढ़े। राजद, कांग्रेस, लेफ्ट और फिर वीआईपी के झंडे के साथ सभी कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर बिहार सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर के विपक्ष की पार्टियों ने तय किया है कि वे प्रतिरोध मार्च निकालेंगे। बिहार की फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। यह इस निर्णय का भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन, अवधेश मिश्रा, विनय आनंद और अक्षरा सिंह ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। रवि किशन ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के लिए बिहार सरकार को धन्यवाद। यह इस नीति से अब बिहार में भी अनुदान मिलेगा। यह इससे लोकल कलाकारों को बहुत काम मिलेगा। बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, मुझे बिहार ने ही सुपरस्टार बनाया था। जय इसकी मांग हम 2005 से कर रहे थे। जय ये सभी खुश हैं कि बिहार सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता के साथ हुई घटना के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। इस कांड के मुख्य आरोपी काजिम अंसारी की पत्नी नाजराना खातून ने सनसनीखेज खुलासा किया है, जहां उनका दावा है कि जितन सहनी नशे का कारोबार करते थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि जितन सहनी गांजा, भांग और फिर शराब बेचते थे और खुद भी शराब पीते थे। नाजराना खातून ने कहा कि उनका पति बिल्कुल भी बेगुनाह है और पुलिस ने जबरन इस मामले में उनके पति को फंसाया है। नाजराना खातून और उनके बेटे का कहना है कि काजिम घटना की रात घर पर उनके साथ सो रहे थे और पुलिस ने उसे जबरदस्ती मुख्य आरोपी बनाया है और उठा करके ले गया है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। खबर बिहार के सहरसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर महसी राजनपुर के समीप कोसी नदी में नाव हादसा की शिकार हो गई है, जहां हालांकि नाव पर सवार लोग किसी तरह नजदीकी पीपा पुल का सहारा लेते हुए बच गए, लेकिन नाव पर रखे चार बाइक की नदी में डूब गई। जानकारी के अनुसार राजनपुर घाट से नाव खुलने के बाद तटबंध के अंदर के इलाके में नाव पर क्षमता से अधिक यात्री और फिर वाहन लदे होने की खबर है। जिला प्रशासन द्वारा कई नाव का रजिस्टर नहीं किया गया है, इसके बावजूद नाव बगैर रजिस्टर अवैध संचालित किए जा रहे हैं। डूबे नाव की तलाशी जारी है। जब मामले में महेशी के अंचल अधिकारी ने बताया है कि नाव पर सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। जब पानी में डूबे हुए एक मोटरसाइकिल को निकाला गया है और तलाशी की जा रही है।
दोस्तों चिराग पासवान ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 लड़ेगा। हालांकि चिराग पासवान ने कई मुद्दे पर भी बात की है जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर डाला है कि कैसे बिहार के निवासियों ने प्रवास के बाद सरकारी नौकरियों से लेकर के निजी क्षेत्र तक कई क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार इतना आगे है तो फिर बिहार इतना पीछे क्यों, हमें इस सवाल का जवाब खोजने की जरूरत है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात के दौरान चिराग पासवान ने बिहार सरकार से राज्य में अपराध और प्रफुल्ल रहने के मामले के खिलाफ कार्रवाई करके एक मिसाल कायम करने को कहा है। चिराग पासवान ने कहा कि ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हुआ है जब समझौते किए गए हैं। मैं इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता कि तब सरकार में कौन था, जब अब हम सरकार में हैं ये सुनिश्चित करना कि हमारी जिम्मेदारी है कि ये घटनाएं दोबारा ना हो। जो भी जिम्मेदार है उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और फिर दंडित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य के लिए एक मिसाल कायम हो। दोस्तों उत्तर प्रदेश की तरह ही बिहार में भी सभी कांवरिया पथों पर, कांवरियों वाले रास्तों पर लगने वाले दुकानों पर दुकान मालिक और उनके कर्मचारियों के नाम लिखने की बात मांग उठने लगी है। इस मांग के उठने के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने कहा कि देश संविधान से चलेगा। आपको बता दूं कि भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बच्चन ने कहा कि यह सही है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा फैसला लिया गया है, बिहार में भी ऐसा हो यूपी की तरह। अब इसको लेकर के आरजेडी ने निशाना साधा है। इस बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, किसी की मर्जी से नहीं। अब समय चला गया है जब सरकार मनमानी करती थी, अब विपक्ष काफी मजबूत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद का आरोप लगाया है। दोस्तों गिरिराज सिंह ने वोट जिहाद का आरोप लगाया है। जहां गिरिराज सिंह ने लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद का आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि चुनाव में साजिश के तहत हर बूथ पर हिंदुओं के 40 से 50 वोट काटे गए, जबकि मुस्लिम बहुल बूथों पर मुसलमानों की संख्या दोगुनी हो गई। गिरिराज सिंह ने इसके पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश बताते हुए चुनाव आयोग से पिछले 3 लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट की जाँच की मांग कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार के साथ ही पश्चिम बंगाल, झारखंड और यूपी में साजिश की गई है। जहां गिरिराज सिंह ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान ये कहा है और कहा है कि इस साजिश में टुकड़े टुकड़े गैंग की ओर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने बिहार में विपक्ष के आक्रोश मार्च को भी छलावा बताया है और कहा है कि जंगलराज वाले चाहते हैं कि बिहार में वही शासन वापस लौट जाए। उत्तर प्रदेश में कांवरिया पथ में दुकानदारों के नाम लिखे जाने को सही ठहराते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि पूर्व की मनमोहन सरकार ने इसको लेकर के आदेश जारी किया था, अगर राज्य सरकार को लगेगा तो फिर बिहार में भी इसे लागू किया जाएगा। दोस्तों बिहार के सरकारी स्कूल में छात्र छात्राओं के थाली में परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। ताजा मामला बिहार के वैशाली जिले के महनार प्रखंड में स्थित वार्ड संख्या 21 मध्य विद्यालय देशराजपुर की है, जहां पर बच्चों के थाली के भोजन में कीड़े और सरा हुआ अंडा मिला है, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा भड़क गया और जमकर के बवाल किया। इस घटना की सूचना पाकर के कुछ स्थानीय लोग भी जमा हो गए। घटना बीते शुक्रवार की बताई जा रही है, जहां आपको बता दूं कि घटना का वीडियो भी जमकर के सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है और बताया गया है कि बच्चे यदि सरे गले अंडे खाएंगे तो फिर स्वाभाविक है कि वे बीमार पड़ जाएंगे। जी हाँ, हालांकि बच्चों और ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया तो फिर आनंद फरान में वीडियो और बीईओ और साथ महनार थाने की पुलिस पहुंचकर के आक्रोशित बच्चों को शांत कराया। हालांकि इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अहिल्या कुमारी और फिर स्कूल प्रिंसिपल जितेंद्र कुमार झा से पूछे जाने पर खराब अंडे होने की बात को स्वीकार किया है। उन्होंने बताया है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बीईओ अहिल्या कुमारी ने बताया है कि प्रिंसिपल के द्वारा लिखित रूप से आवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में गड़बड़ी का खासा असर पटना एयरपोर्ट की उड़ानों पर भी पड़ा है। शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट से कई उड़ानें रद्द हुई तो फिर कई विमान काफी लेट रहे, या कोई कोई विमान तो 2.5 घंटे तक लेट हो गए, या इसके कारण दिन भर यात्री परेशान रहे। करीब 500 यात्रियों ने अपनी यात्रा ही कैंसिल कर दी। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में गड़बड़ी का पता दोपहर 1:30 बजे के आसपास हुआ, या शुक्रवार को विमान सेवा बेपटरी होने के बाद पटना एयरपोर्ट पर गहमागहमी बनी रही। विमान की जानकारी के लिए यात्री इधर उधर भटकते रहे और फिर मन ही मन में विमान कंपनियों पर अपना गुस्सा निकालते रहे, लेकिन करे भी तो आखिर करे क्या। जब गड़बड़ी के कारण पटना से दिल्ली, पटना से मुंबई, पटना से कोलकाता, पटना से बेंगलुरु की उड़ान को रद्द करना पड़ा। दोस्तों समोसा खाना किसे पसंद नहीं है, जब समोसा अगर गर्मा गर्म हो तो फिर बात ही क्या है, लेकिन क्या हो अगर समोसे का एक बाइट खाते ही आपके मुंह से खून निकलने लगे। बिहार के छपरा से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर समोसा खाते ही युवक के मुंह से खून निकलने लगा। आखिर क्या था ऐसा समोसा के अंदर जो युवक का मुंह खून से भर गया।
चलिए जानते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जब इसे एक युवक ने शेयर करते हुए बताया है कि उसने हाईवे किनारे एक रेस्टोरेंट से समोसा खरीदा। जैसे ही उसने समोसे का एक टुकड़ा खाया तो उसके मुंह से खून निकलने लगा। युवक ने तुरंत समोसे का टुकड़ा उगला तो फिर हैरान रह गया, अंदर आलू के साथ लोहे की छोटी सी तार भी मिली। जहाँ इस तार की वजह से उसका मुंह कट गया और अंदर से खून निकलने लगा। जहाँ उसने तुरंत इसका वीडियो बनाया और फिर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो फिर इसके बाद कई यूजर इस पर कमेंट करने लगे। एक यूजर ने लिखा है कि ये होटल ऐसी घटनाओं के लिए बदनाम है, भले ही गोलू होटल का नाम बहुत है लेकिन यहाँ खाने में ऐसी कंप्लेन कई बार मिली है। या दूसरे यूजर ने लिखा है कि 5 रुपए का समोसा और फिर इतनी शिकायत। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि इसी वजह से सड़क किनारे की चीजें नहीं खानी चाहिए। किशनगंज से एक बड़ी खबर सामने आई है कि किशनगंज में पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, पाकिस्तानी नागरिक को किशनगंज में गिरफ्तार किया गया है और पाकिस्तानी नागरिक के गलत मंसूबे को एसएसबी के जवानों ने पानी फेर दिया है। ये मामला किशनगंज पानी टंकी के पास का है, जहाँ पर घुसपैठ के मामले में एसएसबी के जवानों ने एक पाकिस्तानी नागरिक और 2 नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी ने एक पाकिस्तानी नागरिक के साथ 2 नेपाली नागरिकों को अवैध रूप से भारत की सीमा में घुसते हुए गिरफ्तार किया है। तीनों 4 पहिया वाहन पर सवार होकर के बॉर्डर पर पहुंचे थे और भारतीय सीमा में प्रवेश करने की फिराक में थे, तभी एसएसबी के जवानों ने उन्हें धर दबोचा। जहां आपको बता दूं कि एसएसबी के जवानों से सिलीगुड़ी से सटे खौरीबारी ब्लॉक में भारत नेपाल सीमा पानी टंकी की तलाशी के दौरान तीनों को गिरफ्तार किया गया है। जहां नियमित जांच के दौरान सुरक्षा बलों ने जब उनसे दस्तावेज मांगे तो फिर दो लोगों ने नेपाली दस्तावेज दिखाए, जबकि एक के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट था। जब संदेह होने के बाद एसएसबी ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तानी नागरिक की पहचान पाकिस्तान के खैबर पख्तून जिले के रहने वाले सैफुल्ला मोहम्मद इकबाल के रूप में हुई है, जबकि दूसरा नेपाल के भोजपुर काशी के रहने वाले मन बहादुर थापा और उदयपुर के रहने वाले मेघ बहादुर मंगूर के रूप में हुई है। जांच के दौरान एसएसबी को जानकारी मिली थी कि गिरफ्तार पाकिस्तानी नागरिक दुबई में एक सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम करता है और ये नेपाल के रास्ते हुए भारत में प्रवेश करने वाला था, जो कि किशनगंज इसका पहला स्टेप था। हालांकि एसएसबी के जवानों ने इन तीनों को पकड़ करके गिरफ्तार कर लिया है और इन तीनों के नापाक मंसूबे पर पानी फिर दिया गया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज किशनगंज जिले के सैकड़ों महागठबंधन के नेताओं के द्वारा प्रतिशोध मार्च निकाला गया, जहां पर डीएम कार्यालय के परिसर में प्रदर्शन करते हुए बिहार सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी भी की गई। इस दौरान नीतीश कुमार हाय हाय का नारा भी लगाया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इमाम अली चिंटू सहित कांग्रेस के दर्जनों अधिकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में हर दिन अपराधी खुलेआम अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, हर दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही है, अफसरशाही बढ़ गया है। वहीं कुर्सी कुमार कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जहाँ नीतीश कुमार से सत्ता नहीं संभल रहा है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जहाँ हर दिन बिहार में पुल बह रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वहीं पर किशनगंज जिले के 7 प्रखंड से विपक्षी दलों के सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारी नेता इस प्रतिरोध मार्च में शामिल हुए। ये प्रतिरोध मार्च पूरे बिहार में विपक्षी दलों के द्वारा किया गया है। जहाँ बिहार में हो रहे लगातार अपराधी घटनाओं को लेकर के विपक्षी दल प्रतिरोध मार्च निकाल रही है, जहाँ इस प्रतिरोध मार्च में शामिल कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के द्वारा नीतीश कुमार के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। इधर विरोध प्रदर्शन को देखकर के जिला प्रशासन लगातार कार्यकर्ताओं को समझाने में जुटे हुए हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कटिहार के मूल निवासी बिहार सरकार के पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र नारायण यादव का कल स्वर्गवास हो गया है तथा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जी हाँ, कल दोपहर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनके स्वर्गवास पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बताया है कि श्री यादव के निधन से कटिहार राजद को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया है कि पूर्व मंत्री महेंद्र नारायण यादव करीब 5 बार कटिहार जिले के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जो करीब 1997 से लेकर के 2000 तक राबड़ी सरकार के मंत्रिमंडल में पथ निर्माण राज्य मंत्री रह चुके थे, जब वे अपने पीछे 4 बेटियों के अलावा भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। दोस्तों, बिहार में चोरों के अजीबोगरीब मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। जब चोर कभी टावर तो कभी रेल की पटरी तो कभी पुल ही चुरा लेते हैं। एक बार फिर से चोरों का नया कारनामा सामने आया है, जहां पर बेखौफ चोरों ने कॉपर केटनरी बिजली तार काट करके फरार हो गए। जब वहीं पर इस घटना के बाद रेल परिचालन घंटों बाधित रहा। दरअसल पूरा मामला पटना सिटी के दानापुर रेल मंडल का है। जानकारी के अनुसार पटना झाझा रेलखंड के फतुहा रेलवे से महज 200 मीटर पश्चिम रेलवे ट्रैक के ऊपर लगे कॉपर केटनरी बिजली तार को चोरों ने काट लिया।
लिया, जिसके चलते घंटों रेल सेवा बाधित रही। जानकारी के मुताबिक चोर देर रात घटना को अंजाम देकर के फरार हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही आरपीएफ की टीम मामले को लेकर के जांच में जुट गई है। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी बीच कांग्रेस ने अपने आक्रामक रवैये को जारी करते हुए बजट आने से पहले ही उनके प्रति अपनी निराशा जाहिर कर दी है। जब बजट की घोषणा 23 जुलाई को होनी है, जिसके पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने इस बात की चिंता जाहिर की है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बेरोजगारी, बढ़ती असमानता और फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लगभग खत्म होने जैसी चिंताओं को कोई भी तवज्जो नहीं देगी। यह कांग्रेस का मानना है कि केंद्र की मोदी सरकार कुछ अमीर पूंजीपतियों के हित को देखते हुए इस बार भी बजट पेश करेगी। साथ ही उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा क्यों है कि आपने 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरियों का वादा करके 12 करोड़ से ज्यादा नौकरियां छीन ली। डबल इंजन की सरकार में घूमिए हमारे बिहार में, पुल बहल मिलेगा नदियों के धार में। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार में अब तक करीब करीब 2 दर्जन पुलों ने जल समाधि ले ली है। जब पुलों के लगातार धराशायी होने को लेकर के राजद बिहार सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में राजद ने एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। इस बार राजद कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा करके राजद नेत्री ने बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने पुल गिरने के मामले को लेकर के एक पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में लालू परिवार सहित राजद के कई दिग्गज नेताओं की तस्वीर है। साथ ही तेजस्वी यादव की भी बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है। इस पोस्टर को राजद नेत्री एकता यादव ने लगाया है। साथ ही पोस्टर में एक कार्टून नुमा दृश्य भी दर्शाया गया है, जिसमें एक व्यक्ति स्कूटर से नदी किनारे पहुंचता है, जहां पर उसे पुल दिखाई नहीं देता है, वहीं पर एक व्यक्ति वहीं खड़ी खड़ा है। पोस्टर में स्कूटी सवार युवक पास खड़े युवक से पूछता है कि इस नदी पे तो पुलिया था। वहीं पर कुछ युवक जवाब देता है कि हाँ, वह तो बह गया है, पहले था अब बह गया है, पर थोड़ा इंतजार कर लो, हो सकता है कि कोई दूसरा पुल बह करके यहाँ पर आ जाए। आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में पोस्टर वार का अलग ही महत्व है। यहाँ पर राजनीतिक हमलों के लिए अक्सर पोस्टर वार का इस्तेमाल करते हैं। इसी कड़ी में आरजेडी ने भी पोस्टर लगाकर के बड़ा हमला बोला है। वहीं पर बिहार में आपराधिक घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है, जिसको लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी एक बार फिर से बिहार विधान परिषद में विरोधी दल की नेता बनाई गई है। जहां आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह को पत्र लिखकर के इसके लिए अनुरोध किया था, जिस पर कार्यकारी सभापति ने अपनी सहमति दे दी है। इसको लेकर के विधान परिषद की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि लोग कहते हैं कि आज की सियासत में जो 2-4 टर्म का विधायक बनाता है वो करोड़ों का मालिक बन जाता है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया। जीतन राम मांझी ने कहा कि जब मैंने पार्टी बनाई थी तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जीतन राम मांझी क्या पार्टी चलाएगा, इसके पास तो पैसा नहीं है। लेकिन आज पार्टी चल नहीं रही, बल्कि पार्टी दौड़ रही है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दो टुक अंदाज में कहा कि कुछ महीने पहले नीतीश कुमार ने मेरी पार्टी को अपनी पार्टी में विलय करने को कहा था, लेकिन हमारे नेता और कार्यकर्ताओं ने इनकार कर दिया था। या उस वक्त संतोष कुमार सुमन मंत्री पद से हटा दिए गए थे, लेकिन आज देखिए कि वे 3-3 विभाग के मंत्री भी बन गए हैं। जहां केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारी नजर बिहार विधानसभा के उपचुनाव 2025 के बिहार विधानसभा आम चुनाव, झारखंड चुनाव, उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 पर है, जब पार्टी के कार्यकर्ताओं और फिर पदाधिकारियों को इन सभी जगहों पर पार्टी की उपस्थिति दर्ज कराने का टास्क दे रहा हूं। जहां हमें भी आश्चर्य है कि कुछ लोगों के दिल में जलन है कि जीतन राम मांझी अकेले है और उसको फर्स्ट एक्सटेंशन में पीएम ने मंत्री पद पर रख दिया है। उन्होंने कहा कि हम पीएम मोदी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे ये विभाग देकर के बड़ी जिम्मेदारी दी है। दोस्तों, बिहार भाजपा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के कल महागठबंधन प्रतिरोध मार्च निकाला, जब वहीं पर इसको लेकर के सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी या बिहार में कानून का राज खत्म हो गया था। सम्राट चौधरी ने कहा कि लोगों को ये देखना चाहिए कि 15 साल तक लालू प्रसाद यादव ने किस प्रकार का राज चलाया था। जब बिहार में कानून का राज खत्म हो गया था, लालू जी को बिहार में 15 साल तक लोगों के साथ अन्याय करने का हिसाब देना चाहिए। इससे पहले भी सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर हमला करते हुए कहा था कि कुछ लोग बोलते हैं कि कानून का राज खत्म हो रहा है, जब लालू यादव और फिर उनके परिवार को बोलने का अधिकार नहीं है। सीएम रहते हुए लालू यादव अपने घर से पूरे बिहार के क्राइम को ऑर्गेनाइज करते थे, लेकिन आज 24 से 48 घंटे में अपराधी को ढूंढ लेते हैं।
दोस्तों बिहार में लगभग 40,000 प्राइवेट स्कूल के बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। शिक्षा विभाग ने बिहार सरकार की अनुमति के बिना संचालित हो रहे निजी स्कूलों को चेतावनी देते हुए 15 अगस्त तक का अल्टीमेट दे दिया है, जहां अगर स्वतंत्रता दिवस तक संचालकों ने अपने स्कूलों की राज्य सरकार से मंजूरी नहीं ली तो फिर उन्हें बंद करवा दिया जाएगा। जी हां, शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों को आखिरी मौका दिया है। आपको बता दूं कि राज्य में सिर्फ 12,000 निजी स्कूल ही राज्य सरकार से मान्यता लेकर के संचालित किए जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने शनिवार को पटना स्थित अपने कार्यालय में मीडिया से बातचीत करने के दौरान ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में बगैर सरकार से मंजूरी लिए चल रहे सभी निजी विद्यालय बंद होंगे। निजी स्कूलों को हर हाल में राज्य सरकार से स्वीकृति लेनी ही होगी, जहां इसके लिए उन्हें 15 अगस्त तक का समय दिया गया है, इसके बाद उन्हें कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों को मंजूरी लेने के साथ ही शिक्षा के अधिकार कानून के तहत कमजोर एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का अपने यहां पर नामांकन भी करना होगा। दोस्तों बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक पर तंज कसते हुए बिहार के बक्सर से आर जेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने भी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जहां उन्होंने कहा है कि अगर बिहार में अपराध को रोकना है तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बदलना ही सबसे जरूरी काम है। तभी यहां पर अपराध रुकेगा, नहीं तो फिर ये मुख्यमंत्री रहेंगे तो फिर बिहार में कोई भी अपराध नहीं रुकेगा। बिहार के मुख्यमंत्री को बदलना बहुत जरूरी है। सुधाकर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये दुखद है कि मुख्यमंत्री को हर अपराध की खबरों की जानकारी एक सेंट्रल डाटा के जरिए आती है, लेकिन इसके बाद भी अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। जब बिहार में जिस प्रकार से पैसे के लेन देन को लेकर के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है, उससे बिहार में अपराध नहीं रुकेगा और न ही कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार आएगा। जब आगे उन्होंने कहा कि हर जगह पर अपराध हो रहा है, ये नीतीश कुमार को दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसके द्वारा अपराध को रोकने का काम कोई भी काम नहीं किया गया है। अगर मुख्यमंत्री इस पर सख्ती दिखाते तो फिर बिहार में बढ़ते अपराध को रोका जा सकता था, लेकिन इस सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है जिससे वे बेलगाम हो गए हैं। दोस्तों कैंसर पैदा करने वाले तत्व आर्सेनिक बिहार में पानी में तो मिल ही रहा है, लेकिन अब मां के दूध में भी मिलना शुरू हो गया है। जब मां के दूध में आर्सेनिक मिलने से हरकत मच गया है। आपको बता दूं कि ये आर्सेनिक वही आर्सेनिक है जो कैंसर पैदा करता है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का खतरा पैदा करता है। जब पटना के कैंसर संस्थान में जिले में प्रदूषण की जांच कराई गई, इसमें चौंकाने वाली बातें सामने आई है। जिले के कई गांव का पानी सही नहीं है, और यहां पर पानी ही नहीं बल्कि मां के दूध में भी आर्सेनिक पाया गया है। इसके कारण बच्चों के साथ ही लोगों पर दुर्गामी प्रभाव पड़ने की आशंका जाहिर की गई है। जब ये जांच पटना महावीर कैंसर संस्थान ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर के की है। इसमें जिले में प्रदर्शन की पड़ताल कराई गई, जहां डॉक्टरों ने बताया है कि आर्सेनिक की अधिक मात्रा से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, हार्ट, त्वचा संबंधित कई बीमारियों का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। कई गाँव में मानक से कई गुना अधिक मात्रा में आर्सेनिक पाया गया है। सबसे चिंताजनक यह है कि 204 महिलाओं की जांच में 63 के दूध में भी आर्सेनिक की अधिक मात्रा पाई गई है, यानी कि 204 महिलाओं के दूध की जांच की गई, जिसमें से 63 महिलाओं के दूध में आर्सेनिक की अधिक मात्रा पाई गई है। राजगीर की दक्षिण पश्चिमी दिशा वाले गांव के पानी में 14 गुना अधिक तक आर्सेनिक पाया गया है, जबकि जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के पास स्थित मगरा गाँव के पानी में यूरेनियम की अधिक मात्रा ने चिंता बढ़ा दी है। दोस्तों बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 382 पदों पर बहाली होने वाली है। इसको लेकर के सरकार के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है, बहुत जल्द भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। खबर के अनुसार बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, खेल अकादमी और फिर राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के सुचारू संचालन के लिए ये बहाली की जाएगी। इसको लेकर के बिहार कैबिनेट की बैठक में सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। आपको बता दूं कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सुगम प्रबंधन और फिर संचालन के लिए मुख्यालय और फिर क्षेत्रीय पर विभिन्न कोटि के 301 पदों पर भर्ती होगी, जबकि राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकादमी और फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 81 पद पर भर्ती की जाएगी। दरअसल कैबिनेट की मंजूरी के बाद इन पदों पर भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है। बहुत जल्द विभाग के स्तर पर बहाली निकाली जाएगी और फिर भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, खेल अकादमी और फिर राजगीर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में तैनाती मिलेगी।
दोस्तों पिछले कुछ दिनों से बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ने से उमस भरी गर्मी बढ़ गई है। इस वजह से लोग गर्मी से परेशान है बेहाल है। उमस भरी गर्मी से जूझ रहे बिहार के लोगों के लिए राहत की खबर है। जब मौसम विभाग के अनुसार पटना सहित कई जिलों में झमाझम बारिश होगी, अगले 24 घंटे में सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज समेत 9 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ने से उमस बढ़ गई है। जब मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में गोपालगंज में सबसे ज्यादा 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। अगले 48 घंटे तक बिहार के तापमान में कोई भी खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। 23 जुलाई से मानसून के फिर से सक्रिय होने की उम्मीद है। IMD ने 23 और 24 जुलाई को सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, दरभंगा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों के कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बिहार से होकर के बहने वाली अधिकांश नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट पर खतरे के निशान से 8 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने राष्ट्रव्यापी जातीय जनगणना का समर्थन किया है। जहां चिराग पासवान ने पूरे देश में जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि नहीं होनी चाहिए जातिगत जनगणना पूरे बिहार में, ये अच्छी बात है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि अगर इसके आंकड़े सार्वजनिक किए गए तो फिर समाज में विभाजन पैदा होगा। यानी कि चिराग पासवान का कहना यह है कि जातिगत जनगणना तो होनी चाहिए लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि एक साथ चुनाव कराने और फिर समान नागरिक संहिता के बारे में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA में अभी तक कोई भी चर्चा नहीं हुई है। जब एक साथ चुनाव कराने और फिर UCC लागू करने के मुद्दे भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल है। हमारी पार्टी एक साथ चुनाव कराने का पुरजोर समर्थन करती है। चिराग पासवान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के चिंता जताते हुए कहा है कि जब तक उनके सामने कोई भी मसौदा नहीं रखा जाता है तब तक वे कोई भी रुख अख्तियार नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लोजपा रामविलास एक साथ चुनाव कराने पर पुरजोर समर्थन करती है। दोस्तों कल महागठबंधन के तरफ से बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के NDA सरकार को घेरने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। अब इसको लेकर के जदयू के नेता श्रवण कुमार ने RJD पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन का यह प्रदर्शन सिर्फ दिखावे के लिए है। श्रवण कुमार ने कहा है कि इन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन करने का नहीं बल्कि पॉलिटिकल मैनर्स लेना चाहते हैं, मगर बिहार की जनता जानती है कि इनके माता पिता के समय में जो सरकार थी उस समय की स्थिति और अभी की स्थिति में क्या अंतर है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बिहार में पूरी तरीके से क्राइम बंद हो गया है, क्राइम हो रहे हैं मगर क्राइम के अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग तरीके से अपराध हो रहे हैं। जी हाँ, आगे उन्होंने कहा है कि इस सरकार में किसी भी क्रिमिनल को बख्शा नहीं जा रहा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज जो प्रदर्शन हो रहे हैं वह सिर्फ दिखावे के लिए है। दरअसल मंत्री श्रवण कुमार 2 दिवसीय दौरे पर नालंदा पहुंचे जहां पर उन्होंने ये बात कही है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट लगाने को लेकर के बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर के विपक्ष सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब इस बीच मथुरा से BJP की सांसद हेमा मालिनी ने इसको लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। जी हाँ, UP में कांवड़ यात्रा में चल रहे मुस्लिम लोगों के हिंदू दुकानों के नाम पर सांसद हेमा मालिनी ने बोला है कि व्यापार तो सभी करते हैं और मिलजुल करके व्यापार करना तो अच्छी बात है, मगर आपस में प्रेम बना रहे यही कोशिश होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा को लेकर के मुझे नहीं मालूम और मैं क्या बोलूं, मगर यहाँ पोशाक का काम बड़ी संख्या में मुस्लिम करते हैं। हम सब प्रेम से रहे, इसमें मुझे कोई भी बुराई नहीं लगती है। जहाँ सब प्रेम से रहना चाहिए, यानी कि हेमा मालिनी का सीधा सीधा कहने का कुछ भी मतलब नहीं है। ना ही वो सीधा सीधा कांवड़ यात्रा का समर्थन करते हैं और ना ही इसका विरोध करते हैं, जैसे कि उनके बयानों से बातों को झलकता है, अंदाजा लग रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सभी 38 जिलों में जिला परिषद की जमीन को सरकार के द्वारा लीज पर दिया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार के सभी 38 जिलों में जिला परिषद की जमीन को लीज पर देने के लिए सरकार के द्वारा नीति बना दी गई है। साथ ही साथ बिहार कैबिनेट की बैठक में इस नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे जमीन को लीज पर देने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि नई व्यवस्था के तहत जिला परिषद की जमीन को 30 से 50 साल यानी कि लॉन्ग नीति के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी, जबकि कृषि भूमि की भी लीज बाजार मूल्य पर देनी होगी जो कि अधिकतम 5 सालों के लिए होगी। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार के सभी 38 जिलों में जिला परिषद की जमीन को लीज पर देने के लिए भी सरकार ने अब नीति बना दी है। अब बिहार में इसी नीति के तहत जमीन को लीज पर दिया जाएगा।
चुनावी रणनीतिकार और बिहार में जनसुराज अभियान चला रहे प्रशांत किशोर लगातार बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। इस बीच उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को नीतीश कुमार के से बचकर रहने की सलाह दी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी को बिहार में डुबो देंगे। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के पास सम्राट चौधरी जैसे 10 लोगों को डुबा देने की क्षमता है। उन्होंने सम्राट चौधरी का मुरेठा खुलवा करके उनकी बेइज्जती करवा दी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर अगले चुनाव यानी कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा तो भाजपा की लुटिया डूब जाएगी। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशांत किशोर और उनकी टीम बिहार के बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं को तोड़ने में जुटी हुई है। इस बीच प्रशांत किशोर ने अपने पुराने बॉस यानी कि नीतीश कुमार को बड़ा झटका दे दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के एक बड़े अल्पसंख्यक नेता को तोड़ करके अपने पार्टी में कर लिया है। इस नेता का नाम मोहम्मद इरफान है। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर भर्तियां जारी है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 4,500 पद खाली पड़े पदों पर भर्ती की जाएगी। अगर आप बेरोजगार हैं और हेल्थ विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो आप आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 जुलाई 2024 को बंद होने वाली है। ऐसे में जो उम्मीदवार अब तक इस वैकेंसी के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं वे जल्द से जल्द एप्लीकेशन फॉर्म भर लें। इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को बिहार SHSCHO की ऑफिशियल वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाना होगा। बिहार CHO भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2024 को शुरू हुई थी। इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 21 जुलाई 2024 तक का समय दिया गया है। इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसमें आवेदन करने के वाले कैंडिडेट्स के लिए बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC की शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा ली जा रही है। इस क्रम में कई फर्जी अभ्यर्थी भी लगातार पकड़े जा रहे हैं। पहले दिन अलग अलग जिलों से 8 फर्जी परीक्षार्थी यानी कि मुन्ना भाई को पकड़े गए हैं। वहीं पर दूसरे दिन 6 फर्जी अभ्यर्थी को पकड़ा गया है। इसमें मुजफ्फरपुर से 1, बेगूसराय से 2, जहानाबाद से 2 और सिवान से 1 युवक को पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार सभी दूसरे अभ्यर्थी की जगह एग्जाम दे रहे थे। वहीं पर सिवान के एक सेंटर के बाहर से एक असली कैंडिडेट को भी गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग के दुकानदारों को दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को कहा गया है। अब इस पर पटना के भाजपा नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि ये फैसला सराहनीय है और बिहार झारखंड जैसे राज्यों को भी लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग के दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया है। ये मामला आस्था और पवित्रता से जुड़ा हुआ है और इसे बरकरार रखना भी चाहिए। जी हां, कांवड़ यात्रा आस्था के साथ पैदल चलकर के पूरी की जाती है और ये भगवान शंकर को जल अर्पण किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय की बिहार में भी सराहना होनी चाहिए। जहां बिहार और झारखंड की सरकारों को भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरह ही फैसला लेकर के अपने यहां भी ये चीज लागू करनी चाहिए। यानी कि बिहार और झारखंड में भी कांवड़िया यात्राओं के मार्ग के रास्ते में सभी दुकानदारों को नेम प्लेट लगानी चाहिए। इन राज्यों में भी कांवड़ यात्रा मार्ग के दुकानदारों को नेम प्लेट लगानी चाहिए जिससे कांवड़ यात्रा पर जाने वालों की आस्था और पवित्रता बरकरार रहे। या इस निर्णय का कोई भी विरोध करने वाले नहीं है। जिनकी आस्था सनातन धर्म के साथ जुड़ी है वे सभी इस निर्णय के समर्थन में हैं। अगर इस तरह के फैसला बिहार और झारखंड की सरकारें करती है तो पूरे देश के लोग इसका समर्थन करेंगे। दोस्तों, श्रावणी मेला 22 जुलाई से शुरू हो जाएगा जो कि 19 अगस्त तक चलेगा। यानी कि कल से ये शुरू होने वाला है। जब पिछले बार करीब करीब 75 लाख श्रद्धालु श्रावणी मेले में आए थे, इस बार श्रद्धालुओं की वैज्ञानिक पद्धति से गिनती के लिए कैमरा मशीन लगाई गई है जो श्रद्धालु की गिनती करेगी। इसके अलावा श्रद्धालुओं के आवासन के लिए भी 4 जगहों पर कुल 1200 बेड की टेंट सिटी भी बनाई गई है। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने शनिवार को सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि भागलपुर के सुल्तानगंज और धोबी में पहली बार 200-200 बेड की टेंट सिटी बनाई गई है। वहीं बांका के अरखवा में 600 बेड और फिर मुंगेर के खैरा में 200 बेड की टेंट सिटी का निर्माण कराया गया है। सभी टेंट सिटी की में सुरक्षा कर्मी और फिर प्रबंधन भी रहेंगे। प्रत्येक दिन हर प्रयोग के बाद चादर बेड सीट को बदलने का निर्देश दिया गया है। यहाँ चिकित्सा सुविधा, स्वच्छ महिला पुरुष शौचालय, पेयजल, पंखे की उपलब्धता एवं साइलेंट जनरेटर की व्यवस्था रहेगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पटना के पर्यटन निगम मुख्यालय में 24 घंटे कॉल सेंटर काम करेगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है और ये नंबर है 1800309767। ये नंबर जारी किया है। बिहार राज्य पर्यटन निगम परिसर में कुल 3 शिफ्ट में विभागीय कर्मी श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए उनके सवालों का समाधान करेगी।
एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि बिहार के 40,000 प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे। जी हाँ, 15 अगस्त तक अल्टीमेट दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि 15 अगस्त तक अगर सरकार के नियम के हिसाब से नहीं चले तो बिहार के 40,000 प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे। जी हाँ, बिहार के 40,000 प्राइवेट स्कूल बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। जब बिहार सरकार की अनुमति के बिना संचालित चलाए जा रहे इन स्कूलों को 15 अगस्त तक का अल्टीमेट दिया गया है, जब इन्हें राज्य सरकार से स्कूल चलाने की मंजूरी लेनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया गया जब उनके स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। यह शिक्षा विभाग ने ऐसे प्राइवेट स्कूल के मालिकों को अंतिम मौका दिया है। यह कहा गया है कि 15 अगस्त तक किसी भी हालात में वे इसकी मंजूरी ले लें, नहीं तो फिर कार्रवाई की जाएगी। जहां उनके स्कूल को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि बिहार में अभी तक सिर्फ 12,000 प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो सरकार से मान्यता लेकर के चलाए जा रहे हैं, जबकि 40,000 स्कूल बिना मान्यता के ही बिहार में चल रहे हैं। ऐसे स्कूलों पर अब सरकार कार्रवाई करने जा रही है, लेकिन ऐसा करने से पहले शिक्षा विभाग ने अंतिम मौका उन्हें दिया है। उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस तक वे मान्यता ले, नहीं तो स्कूल को बंद करवा दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है। दोस्तों, बिहार के पश्चिमी चंपारण में बीते एक माह से मगरमच्छों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। जब इनके होने से गांव वालों में दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों से निकल कर के पास वाले खेतों में काम करने के लिए जाने से भी कतरा रहे हैं। जब गांव वालों ने बताया है कि गांव की नहर में करीब करीब आधा दर्जन से ज्यादा मगरमच्छ आ गए, लेकिन वन विभाग इससे बेखबर है। जहाँ ये मगरमच्छ वाल्मीकि नगर बराज से छोड़े गए पानी के साथ साथ बह करके यहाँ तक पहुँच गए हैं। गांव वालों ने आरोप लगाया है कि आधा दर्जन से ज्यादा मगरमच्छ प्रखंड की ओजवलिया और फिर शहादतपुर दोनवार सनीचरी गांव के बीच बहने वाले 40 आरडी पुल बड़ी नहर के किनारे मगरमच्छ अपना डेरा जमा मिले हैं। इसके बावजूद भी वन विभाग सोया हुआ है। वन विभाग की नींद नहीं टूट रही है। वन विभाग की इसी लापरवाही के कारण ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, गुस्सा है। ग्रामीण ब्रजेश महतो, वरिष्ठ महतो और भी कई सारे ग्रामीण ने बताया है कि लगभग 3 सप्ताह से नहर के किनारे लगभग आधा दर्जन छोटे बड़े मगरमच्छ अपना अड्डा बना लिए हैं। मवेशी पालक अपने मवेशियों को स्नान कराने के लिए नहर के किनारे नहीं जा रहे हैं डर से। किसान ब्रजेश महतो ने बताया कि नहर के किनारे उनका खेती बाड़ी वाली जमीन है। शुक्रवार की दोपहर तक वे नहर के किनारे गए तो फिर वे अचानक मगरमच्छ दिखाई दिया, उसके बाद फिर वापस लौट आए। अब डर के मारे वहां पर नहीं जा रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आई है कि बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस ईडी के शिकंजे में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परत दर परत चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जब अब तो हालात ये बन गए हैं कि उनकी वजह से बिहार के कई बड़े अधिकारी भी ईडी के रडार पर आ गए हैं। जांच में कई ठोस सबूत भी मिले हैं। ईडी को लेन देन के कई पुख्ता सबूत भी मिले हैं। संजीव हंस के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी की टीम को विभिन्न दस्तावेज मिले हैं, जिसमें लेन देन के तार प्रदेश के यानी कि बिहार के दूसरे आईएएस अधिकारियों और फिर पदाधिकारियों से जुड़े हैं। मतलब साफ है कि ईडी के ठिकाने निशाने पर आए अधिकारियों में बिहार के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। इन सीनियर अफसरों के खाते में सीधे या फिर उनके सबसे करीबी लोगों के बैंक खाते में रुपए ट्रांसफर किए जाए गए हैं। वहीं पर कुछ अफसरों ने तो खुद के खाते से संजीव हंस के खाते में रुपए भेजे हैं। ईडी अब वैसे सभी अधिकारियों की सूची तैयार कर चुकी है। अब उनकी कुंडली खंगाली जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। आपको बता दूं कि केडीबी लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार की खबरों से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है, जिससे आपकी समय की बचत होगी। अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं तो समय की बचत इसलिए होगी क्योंकि अगर आप उसी खबर को फेसबुक या यूट्यूब में देखते हैं तो आपसे 3, 4, या 5 मिनट ले लिया जाता है, जिससे आपकी समय की बर्बादी होती है। अगर आप उसी खबर को केडीबी लाइव ऐप में देखते हैं तो आपको वही खबर 1 मिनट से भी कम समय में दिखाया जाता है। तो अगर आप भी अपने समय की कदर करते हैं तो इसलिए कहते हैं कि टाइम इज मनी, यानी कि समय ही पैसा है। तो ऐसे में अगर आप भी अपने टाइम की कीमत समझते हैं, अपने समय का कदर करते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इस ऐप में बिहार की खबरों को देखने के साथ साथ आप खुद से भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं। जहां अगर आपका अगल पास कोई भी घटनाएं घट जाती है या फिर आपका खुद का कोई खबर है तो आप केडीबी लाइव ऐप में खबर को दे सकते हैं। आराम से खुद से खबर को पोस्ट कर सकते हैं। आपको न्यूज मीडिया में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। केडीबी लाइव ऐप में आप खुद से खबर को पोस्ट कर सकते हैं क्योंकि केडीबी लाइव ऐप में हजारों लोग अब तक
जुड़ चुके हैं, यानी कि हजारों लोग केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर चुके हैं मोबाइल फोन पर। तो ऐसे में आप भी अपने मोबाइल फोन पर केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए, खुद से खबर को पोस्ट कीजिए और दूसरे की खबर को भी देखिए एक मिनट से भी कम समय में। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस ऐप में आप एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी सुविधा दी गई है। आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए, केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और उसमें आप अपना अकाउंट भी बना लीजिए। अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर देना होगा, उसके बाद आपका ओटीपी मांगेगा, ओटीपी आएगा तो ओटीपी दे देंगे, उसके बाद फिर आप अपना नाम और फोटो दे देंगे, बस आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आप खुद से भी खबरों को पोस्ट कर पाएंगे और दूसरे की खबर को भी देख सकते हैं। तो ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।